वेलकम बैक टू पढ़ाई मेड इजी। एंड आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो एक्चुअली में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक एक्चुअली में क्या है, मास्टर वीडियो है, जिसमें आपके क्लास टेंथ की इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कंपाइल किया है, कलेक्ट किया है। फिर उसके बाद जो है ये आपके लिए क्या होगा, एक तरीके से पूरी तरीके से मैं तो कहूँगा रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए आपके एग्ज़ाम में। और चलिए देखते हैं कि आखिर में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, पहला चैप्टर है आपका ये वाला, क्या ना, अ लेटर टू गॉड है, ठीक है। अ लेटर टू गॉड के का पहला क्वेश्चन, व्हाई लिंचो सेड दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। लिंचो ऐसा क्यों कहता है कि रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइंस की तरह थी। तो लिंचो जो है रेन ड्रॉप को क्या करता है, ये आंसर आप सारे पढ़ देना, मैं आंसर पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो लिंचो क्यों कहता है कि रेन ड्रॉप्स एक्चुअली न्यू कॉइन क्यों इस तरीके से हैं, क्योंकि जब भाई वो बारिश होगी तो बारिश की वजह से उसकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो मार्केट में पैसे अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके से वो उसको क्या करता है, न्यू कॉइन्स के जरिए से कंपेयर करता है। व्हाट वे द रेन चेंज्ड एंड व्हाट हैपेंड टू लिंचोज़ फील्ड्स, आखिर में रेन किस तरीके से बदलती है और बाद में जो है लिंचो के फील्ड्स किस तरीके से उस अफेक्टेड होते हैं, तो रेन की वजह से क्या होता है। हालांकि उसने तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखा, सोच के रखा था कि क्या होने वाला है, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। होता क्या है कि रेन की वजह से उसकी बेचारे की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और जो है उसका मक्के का जो उसका खेत था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। लिंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड बट लैक फेथ इन ह्यूमैनिटी। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लिंचो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था लेकिन ह्यूमैनिटी में उसको जो है किसी तरीके का विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई अब ऐसे सोचिए कि भगवान पे उसको इतना भरोसा था कि उसने भगवान को लेटर लिख दिया कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास और कुछ रास्ता नहीं है, आप देंगे तभी जो है मेरा जीवन चलने वाला है। ये तो भगवान के ऊपर गॉड था, फेथ था, इसलिए उसने लिख दिया। लेकिन अब सोचो पैसे किसने कलेक्ट किए, जो है पोस्टमास्टर ने। ये क्या थी, उसकी ह्यूमैनिटी थी। पोस्टमास्टर की क्या थी, ह्यूमैनिटी थी, नहीं मानवता ही थी, जिसकी वजह से उसने पैसे कलेक्ट किए। पैसे कलेक्ट करके देता है, अब वो उसको मिल जाता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता भगवान तो देने वाला है नहीं, आखिर में हो सकता है इसके पीछे कोई और हो। अब वो बेचारा जो है उल्टा क्या करता है, पोस्ट मास्टर के ऊपर ब्लेम भी लगा देता है कि ये लोग क्या है, ठग है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं और इन लोगों ने पैसे मेरे खा लिए। तो आंसर आप लोग पढ़ देना, वीडियो को पॉज करके आंसर को सुकून से पढ़ देना। बस मैं खाली क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा इस तरीके से। तो अगला है क्वेश्चन हमारा, हु डज लिंचो सस्पेक्टेड हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, डिस्कस द आयरनी इन दिस सिचुएशन। किसको लिंचो सस्पेक्ट करता है कि उसने पैसा ले लिया होगा, तो लिंचो सस्पेक्ट करता है कि पोस्ट ऑफिस का स्टाफ ने पैसा ले लिया होगा। डिस्कस द आयरनी इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आयरनी क्या है कि उन्होंने ही पैसा दिया था और उन्हीं के ऊपर ब्लेम आ रहा है कि वो पैसा ले लिए होंगे, यही जो है आयरनी। आयरनी का मतलब क्या होता है, जो हुआ है उसका एग्जैक्टली अपोजिट कुछ समझा जाए तो क्या होता है, आयरनी होता है। लिंचो सस्पेक्टेड दैट पीपल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस हैड टेकन हिज मनी, द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट द पीपल हु ही थॉट टुक हिज मनी वर द वंस हु कंट्रीब्यूटेड एंड फॉर सेंडिंग हिम द मनी। मतलब वही लोग थे जिन लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट करके उसको दिए थे और उन्हीं के ऊपर वो सोच रहा था कि पैसे वो ले लिए। टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर शोन इन दिस स्टोरी, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस एंड देमसेल्व्स, एक्सप्लेन हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स आर इलस्ट्रेटेड। तो यहाँ पे दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि क्या करती हैं, कंट्रास्ट या फिर डिफरेंस क्रिएट करती है। तो ऐसी सिचुएशन देखो क्या है, पहला तो ह्यूमन और नेचर के बीच में है कि हेल स्टॉर्म क्या होता है, वो एक्सपेक्ट करता है रेन को अच्छे के लिए, लेकिन वही रेन क्या करती है, उसकी तबाही का कारण बन जाती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दूसरा क्या होता है कि ह्यूमन, वो इंसान जो उसके लिए अच्छा करता है उसके लिए वो बुरा बन जाता है, मतलब जिसको वो एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा करेगी वो बुरा कर जाती है। फिर बाद में जिससे जो अच्छा करता है उसके बारे में सोचता है कि उसने गलत किया उसके साथ। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो लोग पैसे ले लिए हैं, भगवान 100 पीसों पूरा दिए थे लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले ही ले लिए, वही वो लोग थे जिन लोगों ने क्या किया था, पैसे दिया था। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन के बीच में ह्यूमन की टेंडेंसी कि ह्यूमन को किस तरीके से समझ नहीं रहे, इंसान को इंसान के ऊपर किस तरीके से भरोसा नहीं है कि आखिर में उन लोगों ने पैसा, वो सोच कैसे लेता है कि वही लोग पैसा चुरा ले। अगर भरोसा होता, फेथ होता इंसान के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, तो शायद ऐसा वो ना कहता है ना। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, वाई मिसेस पम्फ्री इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बारे में क्यों बहुत चिंतित है, तो इसलिए चिंतित थी क्योंकि ट्रिकी ने खाना पीना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसकी जो फेवरेट डिश थी उसको भी खाना बंद कर दिया था, इसलिए ट्रिकी
कि जो है मतलब जो ये मिसेस पम्फ्री थी वो काफ़ी जो है परेशान थी, वो पूरा दिन जो है रग पे पड़े पड़े हाँफा करती थी, हाँफती रहती थी। वाई वाज मिसेस पम्फ्री थॉट दैट डॉग्स रिकवरी स्ट्रीम ऑफ सर्जरी। आखिर में मिसेस पम्फ्री ऐसा क्यों सोचती हैं कि डॉग की रिकवरी जो है क्या है, सर्जरी की जीत है। तो वो भाई 2 हफ्ते के बाद जब ट्रिकी उनके घर पे पहुंचता है तो ट्रिकी पहुंच तो पूरी तरीके से स्वस्थ होता है और वो जो है सोचती हैं कि ये क्या है, पूरी पूरी तरीके से सर्जरी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? हाँ, बहुत खुश था। जैसे ही उसको नैरेटर छोड़ते हैं तुरंत तो क्या करता है, कूद के गाड़ी में बैठ जाता है, मिसेस पम्फ्री के गोद में चला जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत ही खुश था घर जाने के लिए। थीप्स स्टोरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाई हरी सिंह थॉट दैट अनिल जॉब वॉज क्वीर? हरी सिंह को क्यों लगता है कि अनिल की जॉब बहुत ही स्ट्रेंज थी? तो स्ट्रेंज इसलिए थी क्योंकि वो डेली बेसिस पे तो काम करता नहीं था, मैगजीन के लिए लिखता था, कभी लिखा कभी नहीं लिखा, और उसको पेमेंट भी अक्सर नहीं मिला करता था, कभी कभार मतलब बहुत कम पैसे कमाता था, और यूजुअल पेमेंट यानी जो जनरली सबको एक महीने काम करने के बाद मिलती है वो उस तरीके की पेमेंट उसको नहीं मिलती थी, कभी कभार आती थी। तो इसलिए उसको जो है उसके काम करने का तरीका काफ़ी अजीब लगा। इन व्हाट वे द थीफ अनिल थिंक विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? किस तरीके से अनिल सोचता है कि अनिल जो है वो थीफ जो है सोचता है कि अनिल किस तरीके से रिएक्ट करेगा? तो उसको लगता है कि अनिल एक बहुत ही क्या नाम है, ऐसा पर्सन है जिसको इन सब बातों से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन दुखी इसलिए होगा कि इसलिए नहीं होगा कि उसका पैसा चला गया, दुखी इसलिए होगा कि किसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया, क्योंकि हर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेता है, और इसीलिए वो बेचारा वापस भी आता है। डू यू थिंक दैट अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या आपको लगता है कि अनिल को पता था कि जो है उसको उसके साथ चोरी हुई है, उसको उसके साथ घटना हुई है? हाँ, उसको पता था भाई, सीधी सी बात है, बेड के अंदर उसने पैसे रखे थे, सूखे थे, और जब सुबह निकाला उसने पैसे तो गीले थे। तो ऐसा थोड़ी ना हो जाए कि बारिश वहीं बेड के अंदर जाके घुस के बरस गई, ऐसा तो हुआ भाई, बारिश बाहर हुई थी ये तो उसको पता था, यानी उसको पता चल गया कि पैसा कोई लिया, बाहर गया, फिर बाहर से अंदर आया, फिर वहीं पर रख दिया, उसको ऐसा पूरा दिमाग में बैठ गया था, आ गया था, लेकिन उसने जो है शो नहीं किया, उसको एक्सप्रेस नहीं किया, और इसी वजह से अनिल थोड़ा जो है वो जो चोर था वो थोड़ा और जो है यानी हरी सिंह थोड़ा और अपने आप को सॉरी महसूस करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिडनाइट विजिटर, हु इज़ फॉलर? फॉलर कौन है? एक राइटर है जो कि क्या नाम है, बहुत ही फैंसीफुल राइटर है, इमेजिन करता है कि किस तरीके की दुनिया होगी, जो अपना डिटेक्टिव वगैरह होते हैं उनकी कैसी दुनिया होगी। लेकिन यहाँ पे जो है मेंशन इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, लेकिन जब वो ऑसिबल के साथ पहले दिन जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल क्या होता है उस दिन का, जैसे ही ऑसिबल होटल के कमरे में पहुँचते हैं, लाइट जलाते हैं, तो उधर सामने कौन खड़ा होता है, मैक्स, और उसके हाथ में बंदूक होती है, और बंदूक इन दोनों की तरफ वो पॉइंट करते हुए कहता है, एंड सब चुपचाप है ना, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। ये उसके दिन का पहला थ्रिल था। हाउ ऑसिबल सेज ही गॉट इन? ऑसिबल कैसे बोलता है कि मैक्स को बताता है कि कैसे वो अंदर आया होगा? तो ऑसिबल तो पूरी कहानी बनाता है ना, कि कहता है कि ये होटल वालों को मैंने बोला था, कितनी बार बोला कि भैया वो बालकनी बंद कर दो, हर दिन कोई ना कोई अक्सर आए दिन मेरे घर में घुस आता है, इस महीने में दूसरी घटना है कि तुम मेरे घर में घुस आए हो, और उसको पूरा भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह नहीं, पीछे बालकनी थी। हाउ ऑसिबल मैनेजेस टू मेक मैक्स बिलीव दैट देर इज़ अ बालकनी? ऑसिबल कैसे इस बात को मैक्स को बिलीव करवाता है कि वहाँ पर बालकनी है? लुकिंग बैट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, व्हाट डू यू थिंक मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी? तो आखिर में उस क्या करता है, बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है कि किस तरीके से ये कमरा एक बहुत ही एक लार्ज अपार्टमेंट का हिस्सा हुआ करता था, और उसके पीछे 2 कमरे थे, किस तरीके से उन कमरे से आती हुई वो जो दरवाजे थे वो क्या थे, बालकनी में खुलते थे, फिर वो बालकनी जो है मेरी खिड़की तक पहुँचती है, फिर आज मैं मेरी खिड़की में इस तरीके से कोई आ सकता है, मतलब उसको जो है पूरी डिस्क्रिप्शन इस तरीके से देता है कि लगे कि नहीं है यहाँ सच में बालकनी है, और फिर उसी का वो फ़ायदा उठाता है और बेचारा जो है बालकनी समझ के कूदता है और 6 फ्लोर के नीचे गिरता है। मैक्स की हालत क्या होती है, हड्डी पसली ख़त्म। आंसर आप लोग सारा वीडियो पॉज के करके पढ़ देना, मैं क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूँ बस। व्हाट होरेस डैनबी लाइक्स टू कलेक्ट? होरेस डैनबी को क्या पसंद था, एक्सपेंसिव किताबें कलेक्ट करना पसंद था। हु डू यू थिंक इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? रियल कल्प्रिट कौन है, तो वो वुमेन थी भाई, सही दोषी तो वही थी, वो जो है बहुत चालाक थी, वो एक्चुअली में ये प्लान करता था कि जब इसको चोरी करना होता तो पूरे साल प्लानिंग करता था कि किसके घर में चोरी करेंगे, कैसे चोरी करेंगे, और वो लेडी इसके पीछे थी, वो लेडी ये पता करती थी किसके घर में चोरी करने वाला है, और इस तरीके से इसने जो है उस लेडी ने बिना चोरी किए ही मतलब चोरी इसने की और उसका फ़ायदा कौन उठाया, वो लेडी।
डिड यू स्टार्ट सस्पेक्टिंग बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट लेडी वॉज नॉट द पर्सन हुरैस्ड एंड बी टूक हर टू बी. हाँ सही में कहना है, शुरू में ही जो है ऐसा कब लगता है, क्योंकि वो क्या करती, बहुत ही काम वे में रिएक्ट करती है. जब वो चोर को देखती है अपने घर में तो बहुत ही काम वे में रिएक्ट, भाई किसी के घर में चोर आया और इतनी शांति से तो बात नहीं करेगा, अरे तुम छींक क्यों रहे हो, है ना, सर्दी हो जाएगी तुमको, ये है वो, मतलब इतना अच्छे से तो कोई बात नहीं करेगा, चोर से ऐसे कोई बात करने वाला नहीं है. वो काम वे ही एक्सप्रेस करता है कि वो घर की मालकिन नहीं बल्कि कोई और थी. ठीक है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, कैसे विजिबल होता है. तो पहली बार देखो जब वो इनविजिबल होने वाली दवाई पी लेता है तो अपने मालिक का घर जला के भागता है. जब घर जला के भागता है तो रास्ते में क्या होता है, कीचड़ में पैर पड़ते हैं और इसकी वजह से क्या हो, लड़के जब देखते हैं तो उसका पीछा करने लगते हैं, तो भागते भागते कहाँ जाता है, स्टोर में, और रात में वहाँ से कपड़े पहन लेता है और कपड़े पहनने की वजह से विजिबल हो जाता है. जब सुबह स्टोर को खोलने वाले सब लोग आते हैं, वर्कर्स आते हैं तो उसको देख लेते हैं. ठीक है, व्हाई मिसेज हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, आखिर में मिसेज हॉल जो है उस साइंटिस्ट को बहुत ही अजीब क्यों पाती हैं. तो मिसेज हॉल उस साइंट क्यों इसलिए बहुत ही अजीब पाती, क्योंकि कहना है बहुत ही अनकॉमन अपीयरेंस था, है ना, पूरा दिन जो है कपड़े उपड़े अजीब से तरीके से पहने हुआ करता था, पूरा ढंग से ना चेहरा दिखता था ना कुछ, है ना. तो और दूसरी बात क्या थी, मिसेज हॉल कई बार उससे बात करने की कोशिश करती, फ्रेंडली होने की कोशिश करती, फिर भी वो हमेशा जो है उनको भाव नहीं देता था. तो ये दो बातें थी जिसकी वजह से उनको लगता था कि वो क्या है, इसेंट्रिक है. इन व्हाट वे डू यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, तो ग्रिफिन एक जीनियस साइंटिस्ट था, ये बात ज़रूर सच है, पर उसके साथ साथ क्या था, वो उसने अपने साइंटिफिक इन्वेंशन का क्या किया था, मिसयूज़ किया था, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने पड़े. व्हाट वे डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इबेट्स लाइफ, तो एक बुक जो ट्रैवल ऑफ पोनार 10 उसकी मम्मी ने ला के दिया था, वो बुक उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि उसके उसमें उसने मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में पढ़ा और उसके बारे में धीरे धीरे उसने क्या किया, वो बटरफ्लाई का जो है कलेक्टर बन गया, फिर उसके बारे में बहुत सारी उसने रिसर्च की. हाउ डिड रिचर्ड इबाइट्स मदर हेल्प हिम, किस तरीके से रिचर्ड इबाइट की मदर उसको हेल्प करती, तो हमेशा वो इनक्रेज क्या करती थी, है ना, पढ़ने के लिए सीखने के लिए इंटरेस्ट क्या इनक्रेज क्या करती थी, और वो हमेशा उसको वेरियस ट्रिप पे लेके जाती थी, उसको टेलीस्कोप ला के दी, माइक्रोस्कोप ला के दी. तो मतलब ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से क्या था कि वो अब उसकी मम्मी क्या करती है, उसको बहुत सारा वह हेल्प किया करती है. अगला है नेकलेस से, तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज MME यानी मिसेस लुइसल एंड व्हाई शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी, तो मिसेस लुइसल किस तरीके की व्यक्ति हैं और क्यों हमेशा दुखी हैं. तो वो मिसेस लुइसल ऐसी थी, काफ़ी यंग थी, यह प्रिटी थी, सारी बातें हैं, पर हम बेचारी जो है वो चाहती थी कि वो दुनिया की लग्जरी जिए, बहुत ही डेलिकेसी, मतलब महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएं, बहुत ही अच्छी जगह पर रहें, बड़े बंगले में रहें, गाड़ी में घूमें, लेकिन ये सब उनके पास था नहीं. एक छोटे से परिवार में वो पैदा हुई, छोटे से परिवार में शादी भी हो गई, इसकी वजह से बेचारी ये सब चीज़ें नहीं देख पाई और इसी वजह से हमेशा दुखी रहती थी. व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम वॉज डिस्टर्बिंग मिसेज लुइसन, फ्रेश प्रॉब्लम ये थी कि ड्रेस तो मिल गया था लेकिन उसके पास नेकलेस नहीं था पहनने का. ऑस्टेंटेशन एंड वैनिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स लैंड पीपल इन ट्रबल, तो ज़्यादा दिखावा क्या करता है, लोगों को परेशानी में डाल देता है. मतिल्दा इज एन एप्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, मतिल्दा इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है. तो मतिल्दा भाई बढ़िया एग्जाम्पल है ही, क्योंकि मतिल्दा को क्या चाहिए था, लाइफ की लग्जरी चाहिए थी, और इसीलिए उसने अपने आप को क्या किया, मांग के ही सही, है ना, किसी से उधारी लेके ही सही, पर इसने एक दिन की लग्जरी जीने की अपनी जो इच्छा थी वो उसको उसने पूरा किया, और हुआ क्या, वो हार गलती से कहीं गायब हो जाता है और बेचारी उसका प्राइस ऐसा पे करती, इतना हैवी प्राइस पे करती है कि बेचारे का जो जीवन था पहले उससे भी बदतर जीवन उसको जीना पड़ा. सारे आंसर आप लोग ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, बस मैं खाली क्वेश्चंस को बताते हुए चल रहा हूँ. वाई द लॉयर इज सेंट टू न्यू मिलियन, लॉयर को न्यू मिलियन क्यों भेजा गया, क्योंकि उसको वहाँ पे एक जो है ओलिवर लुटकिन नाम के व्यक्ति को ढूंढना है. व्हाट डज ही थिंक अबाउट द प्लेस, उसकी जगह उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से था, कि ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा गाँव होने वाला, लेकिन वहाँ पर पहुँच के उसकी बात जो है इमेजिनेशन थोड़ी बदल जाती है. भोली के बारे में, भोली वाज नेग्लेक्टेड चाइल्ड डिस्कस, हाँ बचपन में भाई भोली क्या थी, उसको बहुत ही नेग्लेक्ट किया गया, उसको पुराने कपड़े दिए जाते थे पहनने के लिए, उसके पेरेंट जो है क्या इसलिए स्कूल उसको भेजते क्योंकि उनको लगता है किससे कोई शादी तो करेगा नहीं, और पढ़ लिख लेगी तो हो सकता है शादी करने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाए. वाई मेड भोलीज फादर वरीड, वाट मेड, यहाँ वाई नहीं होना चाहिए, वाट होना चाहिए. वाट मेड भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, किस बात ने जो है भोली के फादर को क्या किया था, वो चिंतित कर दिया था. तो भोली के पापा इसलिए चिंतित थे क्योंकि भोली के पास ना तो दिमाग था ना ही अच्छा दिखती थी, तो उनको इसकी बात की चिंता थी कि उसके लिए कैसे दूल्हा मिलेगा, कैसे उसकी शादी होगी, ये बात उनको जो है काफ़ी चिंतित करके रखी थी. भोली हैड क्वाइट अ लॉट ऑफ
apprehensions about going to school, what made her feel that she was going to a much better place than her home. काफ़ी जो है मतलब संकोच में थी कि वो स्कूल क्यों जा रही है, पर फिर भी उसको लगा कि शायद घर से अच्छी जगह तभी वो जा रही वहाँ पे. कारण क्या था, क्योंकि उसको कपड़े थोड़ा उस दिन साफ़ सुथरे पहनाए गए थे, थोड़ा तैयार भी किया गया था, नहलाया भी गया था, मतलब बेचारी को थोड़ा ध्यान दिया गया था. इसलिए भोली को लगा कि शायद घर से अच्छी जगह इसलिए इतना ध्यान दिया जा रहा है. ठीक है, वाई द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ बुक. अब 20th सेंचुरी को आप देख ही सकते हैं, 1900 से लेकर आपने देखा ही है, आप लोग आज 21st सेंचुरी में देख ही सकते हैं अपने आसपास कितनी किताबें आप महसूस करते हैं. तो इसीलिए जो है 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक भी कहा गया. आंसर को एकदम ढंग से पढ़ लेना. डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर. क्या हम हमेशा के लिए बुक्स को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. पर हाँ, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बुरी तरीके से किताबों को जो है पीछे छोड़ने में लगी हुई है. नूडल अवॉइड्स टू अफेंड थिंग टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स. हाउ ही मैनेजेस टू डू दैट. तो अक्सर जो है जब भी नूडल क्या करता था, कुछ उसको कहना था, थिंक टैंक को कहना होता था, तो हमेशा अपनी थॉट्स को क्या करता था कि वो किसी खास जगह पे पढ़ा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको जो है बताना चाहता है, मतलब इस तरीके से उसका. इन दिस वे वो क्या करता था, थिंक टैंक को करेक्ट भी कर देता था और उसको जो है एम्बरेस भी नहीं करता था. ठीक है, फिर अगला है नेल्सन मंडेला. व्हाट आइडियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके जो क्वेश्चन है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आइडियल्स वर सेट बाय नेल्सन मंडेला फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अफ्रीका भविष्य में ऐसा होने वाला है जहां पे अब कोई किसी तरीके से परेशान नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी तरीके का अंतर लोगों के बीच में नहीं होगा. और ये सब जो है चीज़ें क्या थी, नए आइडियल्स थे अफ्रीका के लिए. वाई सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन, वे इन व्हाट वे इट सिग्निफाइड द ट्रिम्फ. आखिर में इतने सारे लोग क्यों वहाँ पे आए थे इंटरनेशनल लीडर, तो उसका कारण क्या था कि नेशनल मंडेला जब राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे जो अपार्थिड नाम का जो सबसे बड़ी जो दुर्व्यवस्था थी, जो बुरा कानून था, उसको हटाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में क्या होता है, अफ्रीका दुनिया के तमाम देशों जैसा हो जाता है ना, यानी जो मेन स्ट्रीम कंट्रीज थी दुनिया की उनके जैसा वो भी हो जाता है, मतलब एक डेमोक्रेटिक नेशन हो जाता है ना. तो इसकी वजह से क्या होता है, अब उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नेल्सन मंडेला की वजह से दूसरे देशों से अच्छे हो जाते हैं और इसलिए तमाम इंटरनेशनल लीडर्स जो है वहाँ पे आते हैं. व्हाट मंडेला मींस व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम. तो इसलिए वो ऐसा कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मैं उन सारे लोगों की त्याग को, उन सारे लोगों की सेक्रीफाइसेस को देख सकता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जो है इस देश को ऐसा बनाने में किया है, और मुझे लगता है कि मैं उन सारे लोगों के लिए जी रहा हूँ, उन सारे लोगों के लिए सारे सा काम कर रहा हूँ. नेल्सन मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशंस. तो दो ऑब्लिगेशन क्या थे, एक तो अपने परिवार के प्रति, मम्मी पापा के प्रति, बच्चों के प्रति और जो है बीवी के प्रति, इन सब के प्रति जो है था, और दूसरा देश और देश की जनता के प्रति, ये जो है उनका ट्विन ऑब्लिगेशंस था. ठीक है, द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम. तो ये वाला टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का है. व्हाट दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, भाई बेचारा भूखा था पूरे दिन जो है, किसी तरीके को खाना नहीं मिला था, है ना, वो जो चिड़िया था, सीगुल था, वो क्या था, खाना नहीं मिला था. तो जैसे ही उसने खाना देखा एकदम पूरी तरीके से पगला गया था, उसने जंप मार दिया और जंप मारते ही नीचे गिर गया. देवर बकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वाई डू यू थिंक हिज द सीगुल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई. भाई वो भी चाहते थे कि भाई पूरी ज़िंदगी तो हम इसको ला के खिला नहीं पाएंगे, जैसे एक आम इंसान के जीवन में भी यही होता है. मम्मी पापा क्यों बच्चों को डांटते हैं कि पढ़ो लिखो कुछ करो, इसलिए डांटते हैं क्योंकि उनको पता है क्योंकि पूरे जीवन हम इसको खिला नहीं सकते हैं, एक ना एक दिन इसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, इसको अपने लिए चीज़ें खुद ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए मम्मी पापा डांटते हैं. तो चिड़िया के साथ भी वही था, वो लोग इसीलिए इसको डांटते हैं कि ताकि वो भी खुद से उड़े और खुद से जो है चीज़ों को अपने लिए ढूंढे, इंडिपेंडेंट बने. नरेटर का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से तूफान में उसका एरोप्लेन था. तो जो है आंसर को पढ़ देना. व्हाई द नरेटर सेज आई लैंडेड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. भाई सॉरी इसलिए नहीं महसूस करता क्योंकि उसने तूफान में देखा था कि क्या परेशानी थी, बहुत टेंशन में था. अब जो आया तो उसको थोड़ा खुशी महसूस हो रही थी कि कम से कम इससे बाहर तो निकल आया, तो सॉरी फील करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी. Was any correct when she said that the world would not be interested in the musings of 13-year-old girl? Any क्या सही थी कि जब वो कहती है कि दुनिया उसके जो है एक 13 साल की लड़की की बकवास में या फिर थॉट में या सोच में इंटरेस्टेड नहीं होगी. नहीं, वो गलत थी क्योंकि अगर हम इंटरेस्टेड ना होते तो आज जो है एनी की डायरी पढ़ नहीं रही होती, दुनिया पढ़ नहीं रही होती. Why मिस्टर केसिंग यूज टू कॉल एनी एन इनकॉरेजबल चैटर बॉक्स, क्योंकि वो हमेशा क्लास में बात करती थी.
व्हाट एनी राइट्स इन हर फर्स्ट एस्से, पहले एस्से में ये बताती है भाई वो एक रीज़न देना चाहती कि वो बात क्यों करती है। तो कहती है मेरी मम्मी तो मुझसे कम बात नहीं करती, वो भी बहुत बात करती हैं, तो इसलिए मैं भी बात करती हूँ। तो यानी कि ये क्या है, मेरे अंदर एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है ना, और इसलिए वो मैं भी बात करती हूँ। Why any needed to give a brief sketch about her family? वो इसलिए देना चाहती है ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली ताकि आप जब पढ़े तो सबसे कनेक्ट हो सके, सबको जान सके, समझ सके, नहीं तो कहानी समझ में आने वाली नहीं है। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रडिक्टेबल, ऐसा क्यों कहती है उस, क्योंकि वो मिस्टर कीसिंग के बारे में जब सोचती है कि वो कभी एस्से लिखने के लिए, मैथ के टीचर होने के बावजूद एस्से लिखने का होमवर्क दे देते हैं, इसलिए जो है कहती है कि टीचर्स क्या हैं, अनप्रडिक्टेबल है। ठीक है। 100 डिशेस, इन वाट वे वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, व्हाई डज शी से दैट शी हैड 100 गेम 100 ड्रेसेस। तो वांडा जो है कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करती थी, ना तो दुखी होती थी ना वो खुशी होती थी, हालांकि वो थोड़ा सा डीपली हर्ट महसूस करती थी, बहुत मन में उसको क्या होता था, दुख होता था कि क्यों पूछा जा रहा है मुझसे। और आखिर में जो है फिर उसका जवाब क्या देती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है खाली अपने आप को पैसिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, ये उसकी फैंटेसी थी, ये उसकी इमेजिनेशन थी कि उस काश उसके पास 100 कपड़े होते। और फिर क्या करती थी, उनके वो ड्रेसेस की डिज़ाइन बना के रख लेती थी। तो इस तरीके से क्या था, वो 100 कपड़े अपने पास कहती थी, जो कि बाद में उसने प्रूफ भी करके दिखाया कि किस तरीके से उसके पास 100 कपड़े हैं। What does Miss Mason think of Wanda's drawings? What do the children of think of them? तो मिस मैसन जो है रूम 13 में जब देखती हैं कि इतने सारे जो है 100 ड्रेसेस थे और सारे ब्यूटीफुल थे, तो वो कहती हैं कि ये सच में कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे ने बनाया है, और वो प्राउड फील करती हैं वांडा के ऊपर। ठीक है। और बच्चे भी उसके क्लास के काफ़ी एडमायर करते हैं उसकी ड्राइंग को। इन व्हाट वे वांडा इज सीन डिफरेंटली बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर? तो वांडा चूंकि चुपचाप रहती है, क्लास में सबसे पीछे बैठती है, कोने में बैठती है, तो इसलिए सब लोग जो है उसको अलग ही तरीके से सोचते हैं। काफ़ी उसका नाम भी अजीब उनको लगता है ना, उनको इसलिए अजीब लगता है क्योंकि उनके यहाँ ऐसा नाम नहीं होता है। जैसे नॉर्मली अगर हम अपने यहाँ ही कहें, अगर यूपी में कोई जो है मुथैया मुरलीधरन टाइप का नाम का लड़का अगर किसी क्लास में पढ़ने लगे तो थोड़े सबके लिए अजीब हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर साउथ इंडिया में कोई ऐसा नाम जो है, जो कि क्या नाम है भाई, नॉर्मली नॉर्थ इंडियन होता है, बिहारी लाल ऐसा टाइप का आ जाए, तो वो लोग वहाँ पे हंसेंगे। क्या होता है एक्चुअली एक सेटिंग और एक एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा हुआ था। व्हाई मैडी स्टैंड बाई एंड नॉट डू एनीथिंग, इन व्हाट वे शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेगी? मैडी इसलिए चुपचाप रहती थी क्योंकि वो अपने आप को भी महसूस करती है कि जो है ये गलत बात है, वो लोग उसको चिढ़ा रहे हैं, और फिर उसको लगता था कभी मुझे ना चिढ़ाना शुरू कर दें, इसलिए बेचारी जो है कुछ बोलती नहीं थी। ठीक है। पेगी से इसलिए डिफरेंट थी क्योंकि वो चिढ़ाती नहीं थी, वो भी महसूस करती थी सब बातों को। तो इसको आंसर को ढंग से पढ़ लेना, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। वाज मैडी राइट इन थिंकिंग दैट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पेगी इज टीजिंग? मैडी सच में वो सही सोचती है कि क्या नाम है उसका साइलेंस भी क्या था, गलत था, क्योंकि उसको चुप नहीं रहना चाहिए था, उसको पेगी को रोकना चाहिए था कि क्यों चिढ़ा रही है, वो ऐसा सोचती है ना, तो इसलिए उसका जो साइलेंस था वो भी क्या था, गलत था। व्हाट रीजन कैन यू थिंक ऑफ बिकॉज ऑफ विच वांडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी? डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? तो चूंकि वांडा यहाँ रेडिक्यूल फेस करती थी, पूरे क्लास में उसको बच्चे चिढ़ाते थे, हो सकता है कि उसके परिवार वालों को भी वहाँ पे गांव में भी लोग क्या रहे हों, थोड़ा बहुत चिढ़ाते रहे नाम की वजह से, तो इसलिए उसने सोचा कि भी जगह बदल ही दो, अपने गांव चलो, अपने ऐसी जगह चलो जहाँ मेरे जैसे ही हमारे जैसे ही लोग होंगे तो लोग नहीं चिढ़ाएंगे। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन मैडी मेड, व्हाई डिड सी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो? आखिर में कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन मैडी लेती है? तो मैडी सोचती है कि मैं एक काम करूँगी, एक लेटर लिखूँगी किसको, पेगी को, कि वो उसे चिढ़ाना बंद कर दे, है ना। लेकिन ये डिसीजन लेना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो सोचती थी कि अगर मान लो कल को सब मुझे ही चिढ़ाना शुरू कर दे तो मैं क्या करूँगी, है ना। हाउ इज़ ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन गोवा? ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का है ना। तो ब्रेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट गोवन लाइफ का ये है कि क्योंकि भाई घर में किसी की शादी होगी, किसी के कोई स्पेशल ओकेजन होगा, तब भी वो स्पेशल टाइप का ब्रेड जरूर होना चाहिए, इसीलिए क्या था, ब्रेड एक स्पेशल लाइफ पार्ट हुआ करता था लोगों की लाइफ में। डिस्कस दिस स्टोरी अबाउट कुडाऊ पीपल्स डिसेंट। तो कुडाऊ पीपल कहाँ थे, एक तो अरेबिक डिसेंट के माने जाते थे, एक यहाँ के जो है ग्रीक डिसेंट के माने थे। आंसर को ढंग से पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। व्हाट मेक्स द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक? तो गोवा के, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गोवा के लोग, व्हाट मेक्स द एल्डर्स गोवा, तो जो गोवा के लोग अपने पुराने टाइम के जो है ब्रेड लोब्स के बारे में सोचते हैं, है ना, और पेडर्स के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा पुरानी यादों में खो जाते हैं।
What are the things that we come to know about authors from this text? Author के बारे में क्या क्या चीज़ें हमको इस टेक्स्ट से पता चलता है, ठीक है? तो author जो है comparatively small group of animal है, ठीक है? इन्हें muslin कहा जाता है. और maxwell otter एक ऐसी रेस है जो कि पहले साइंस के अननोन थी, ठीक है? और इसको एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लुट्रोगेल प्रेस्पिलेटा मैक्सवेली, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है. वाई इज़ मिस स्पीसीज नाउ नोन टू द वर्ल्ड एज मैक्सवेल ऑटर. अब मिस की स्पीसीज जो है वो क्या है, दुनिया को मैक्सवेल ऑटर के नाम से जानी थी, क्योंकि जिस जूलॉजिस्ट ने नाम दिया उनका नाम क्या था, मैक्सवेल था, इसी वजह से, ठीक है? अगला है मैडम राइट सी बस. तो वल्ली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है, वल्ली कितनी जो है मज़ेदार लड़की थी, है ना? वल्ली शोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज बाई ट्रेवलिंग ऑन दी बस ऑल अलोन. डिस्कस हाउ एबिलिटी एंड करेज आर एसेंशियल टू फिल वंस ड्रीम. तो वल्ली के बारे में इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं. वाई द कंडक्टर रिफर्स टू वल्ली एज मैडम. चूँकि वल्ली बहुत ही एल्डर की तरह बात करती है, इसलिए वल्ली जो है वल्ली को मैडम कहता है, ठीक है? लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस विच एनीवन कैन ओवरकम थ्रू हिज और हर ओन एफर्ट्स. एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू किसा गौतमी लाइफ. तो किसा गौतमी के साथ क्या होता है आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से उसका बेटा, उसके बेटे की डेथ हो जाती है और वो फिर सबके घर में दौड़ दौड़ के जाती है कि कोई मुझे ऐसा डॉक्टर बता दो जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे. फिर वो बुद्धा के पास जाती है, फिर बुद्धा उसको बताते हैं कि किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना लेके आओ जिसके घर में कोई ट्रेजडी ना हुई हो. तो शायद वो सीख जाती है कि ये सबके साथ है. When किसा गौतमी सन डाइज सी गोज ऑन फ्रॉम हाउस टू हाउस. व्हाट डज सी आस्क फॉर, डज सी गेट इट. तो वो सबके घर में, मैंने बता दिया ना कि सबके घर में क्या जाती है, एक मुट्ठी सरसों का दाना मांगने जाती है, उसको नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि जो है सबके घर में किसी न किसी की कुछ ना कुछ ट्रेजडी हुई होती है, ठीक है? द प्रपोजल ऑन व्हाट डज चुबुको सस्पेक्ट एट फर्स्ट दैट लोमो हैज़ कम फॉर. तो चुबुको को शुरुआत में क्या लगता है कि लोमो किस लिए आया होगा. इज ही सिंसियर व्हेन ही लेटर मेंशंस एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माय एंजल एज इफ यू आर माय ओन सन गिव रीजंस फॉर योर आंसर फ्रॉम दी प्ले. तो चुबुको को सबसे पहली बार तो लगता है कि पैसा उधार लेने आया होगा, है ना? और सिंसियरिटी तो उन लोगों में ज़रा भी नहीं थी, दोनों में नहीं थी. दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, बहुत ही चालाक थे, है ना? और वो जो ये कहते हैं वो ना, वो क्या था, एक्चुअली में दिखावा था. चुबुको सेज ऑफ नतालिया एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट शी इज इन लव इगैड शी लाइक अ लव सिक कैट. वुड यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. चुबुको कंसिडर लोमो एज अ गुड मैरिज प्रॉस्पेक्ट फॉर हिज डॉटर, है ना? चुबुको जो है वो भी जानता था कि जो है लोमो क्या है, एक बढ़िया शादी वाला बंदा है जो उसकी बेटी के लिए ठीक रहेगा. वेन लोमो शोज डाउट चुबुको टोल्ड लोमो अब दैट नतालिया वॉज इन लव विद हिम. जब लोमो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि क्या उसे शादी करेगा कि नहीं, तो चुबुको उसको बता देता है कि नतालिया उससे प्यार करती है. तो इससे क्या हो गया कि क्या नाम है, इट सीम्ड लाइक सी वॉज मोर इन लव विद हर डॉग्स लैंड्स एंड मिडोज दैट टू लोमो. बाद में जब झगड़े झगड़े में पता चलता है कि अपने कुत्ते से, अपनी ज़मीन से और जो है अपनी मिडोज से, यानी जो है ग्रीन ग्रास के ग्राम मैदान से जो है बहुत प्यार था लोमो से कहीं ज़्यादा. तो क्योंकि झगड़ा करने लगते हैं ना सब लोग. तो अगला है ये हमारा जो है पोएट्री सेक्शन से सारे क्वेश्चन आंसर. एक्सप्लेन व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो हाउ एंड व्हाट चेंज द पोएट्स मूड. दी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इन द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो वी कैन मीन अ फ्रिकल ऑफ स्नो, यानी स्नो की थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो है क्या पाउडरी टाइप के पीसेस. और इट कैन ऑल्सो मीन द लिटिल वाइट फ्लावर्स दैट आर फाउंड ऑन द हेमलॉक ट्री, ठीक है? दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड वाज सैड अर्लियर एंड दिस लिटिल थिंग चेंज हिज मूड टू जॉय. शुरू में क्या था भाई, दुखी बैठा था पेड़ के नीचे और उसके जब डस्ट ऑफ स्नो उसके सर पे पड़ती है तो अचानक से उसका जो है दिमाग बदल जाता है. यानी छोटी सी प्राकृतिक चीज़ क्या करती है, उसका पूरा दिन अच्छा बना देती है. इन व्हाट वे डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. तो नेचर को डस्ट ऑफ स्नो के रूप में और जो है क्रो के रूप में, हेमलॉक ट्री के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? देख लेना आंसर को. देर आर प्लेंटी ऑफ आइडियाज अबाउट हाउ The world will end, किस तरीके से, बहुत सारे दुनिया में तरीके हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी, ठीक है? Do you think the world will actually end someday? क्या आपको भी लगता है कि दुनिया किसी दिन खत्म होगी? Have you ever thought what will happen if the sun got so hot that it burst, grew colder and cooler? What will happen? तो ये आप बिल्कुल आपकी पूरी तरीके से इमेजिनेशन होगी, है ना? किसी तरीके से इसको जो है कोई इसका आंसर नहीं हो सकता. जो आप लिख दें, जो आप इमेजिन करके लिख दें, वो आंसर होगा. फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस मींस. तो फायर और आइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फायर और आइस का मतलब क्या है. तो फायर स्टैंड्स फॉर लस्ट, डिज़ायर, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीड, है ना?
ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? वाइल आइस मीन्स व्हाट? कोल्डनेस, इनडिफरेंस, ठीक है, क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, हेटर्ड, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़े, टाइगर इन द जू, डू यू थिंक जूज आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स? आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक? तो हाँ, कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, पर एक तरीके से अगर हम नेचर के तरीके से देखें तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो है एनिमल्स को भी फ्रीडम पसंद है और जू उनके लिए फ्रीडम वाली जगह नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया है, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, फिर उसके बाद जो है देख लो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से कि क्या है क्वेश्चन आंसर। द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शैडो, किस बात के लिए? प्रे के लिए, है ना, देख लेना ध्यान से, ठीक है। इन व्हाट वे डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? तो ये वाला हुआ है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, है ना, तो उसमें बहुत ही फनी तरीका बताते हैं किस तरीके से लायन को पहचानना है, किस तरीके से टाइगर को पहचानना है ना। पढ़ लीजिएगा आंसर को। डज डाइन रियली राइम विद लायन? नहीं, ज़बरदस्ती राइम किया गया भाई, राइम नहीं कर रहा है। डू यू थिंक द वर्ड लीप्ड एंड लिप इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? नहीं, ठीक है, वो स्पेल्ड करेक्टली नहीं स्पेल किए गए हैं, और ये क्या है, राइटर ने ऐसा जो है एक राइमिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ऐसा किया है, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? वट डज द पोएट मीन बाई इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस? जब वो कहते हैं कि यहाँ दुनिया में पजेशन का मतलब, दुनिया में हर कोई क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें चाहता है, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, है ना, तो यहाँ पे पोएम में जो है वर्ल्ड ऑफ पजेशन कहते हैं कि दुनिया क्या है, पूरी तरीके से अपने चीज़ों को लेके बहुत ही पजेसिव है, उसको बहुत सारी चीज़ों की चाहत है, इसीलिए वर्ल्ड ऑफ पजेशन उसको कहते हैं, लैंड, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, है ना, ये सारी चीज़ें। वॉट अकॉर्डिंग टू द पोएट द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स? तो सीखता है कि दुनिया में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसके पास आएंगी, बहुत सारी चीज़ें उससे दूर भी जाएंगी, यानी चीज़ें उससे मतलब खो भी जाएंगी, चली भी जाएंगी, तो इस तरीके से उसको इन चीज़ों को सीख लेना चाहिए। लॉस एंड गेन क्या है, जीवन का एक हिस्सा है। डू यू थिंक दैट द बॉय इन द पोएम हैज़ लॉस्ट एनी थिंग अर्लियर? क्या उसके पहले उसका कुछ खोया? नहीं, तभी तो ऐसा लग रहा है ना कि वो बेचारा बहुत दुखी, अगर पहले एक बार में जब सीख जाएगा तो ऐसी नौबत उसके पास नहीं आएगी, ठीक है। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज़ इन द पोएम मेंशन? भाई अमेंडा के हिसाब से जो लग रहा है 9 to 10 ईयर ओल्ड गर्ल है, है ना भाई, क्योंकि वो मम्मी कुछ कह रही है वो सुनती है ही नहीं, ठीक है। व्हाट अमेंडा थिंक्स दैट शी कैन डू इफ शी वर अ मरमेड? तो अमेंडा को लगता है अगर वो मरमेड रही होती तो जो है दी एकदम आराम से शांति से पानी में इधर उधर तैर रही होती, और जो है कहीं जो है एमराल्ड वगैरह जो है उसके आसपास कहीं इधर उधर टहल रहे होते, और वो क्या होती मतलब पूरे के पूरे ग्रीन सी में अकेली जो है एक इनहेबिटेंट होती, ठीक है। डू यू थिंक अमेंडा इज़ एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? आपको लगता है अमेंडा ऑर्फन है? नहीं, वो ऑर्फन नहीं है, पर वो इसलिए कहती है क्योंकि क्या नाम है, अकेला रहना चाहती है ना, पूरे दिन मम्मी की डांट नहीं सुनना चाहती, इसलिए वो ऐसा सोचती है, ठीक है। डू यू थिंक एनिमल्स के बारे में है, डू यू थिंक दैट ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो? डिस्कस दिस इन ग्रुप्स। यस भाई, लोग क्या करते हैं, है ना, आज बड़े बड़े महाराजा की जो है लोग नाम लेते हैं कि ये वाले थे वो, बड़े बड़े नेता का नाम होता है ना, लोग फूल माला चढ़ाते हैं उनके आगे, है ना, बहुत सारी बातें हैं, तो लेकिन ऐसा जानवरों के साथ नहीं है। कोई ऐसा पुराना जानवर याद करिए जिसकी क्या करते हैं लोग, बहुत बड़ा महान जानवर उसको मानते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन आई थिंक कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, व्हाट इज़ द पोएट टर्निंग फ्रॉम? तो ये जो है इंसान की जो ज़िंदगी है, जो ग्रीडीनेस की ज़िंदगी है, जो एक्सपेक्टेशंस की ज़िंदगी है ना, उससे वो टर्न करना चाहता है, उससे वो हटना चाहता है, और क्या करना चाहता है, एक जानवर की ज़िंदगी जिसके जीवन में ग्रीडनेस, एक्सपेक्टेशन, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट? तो पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। ट्रीज इन द पोएम, वेयर आर द ट्रीज? अभी कहाँ हैं, घर के अंदर हैं। व्हाट डू देयर रूट्स, वो सब क्या कर रहे हैं, उखड़ के बाहर निकलने की कोशिश करें, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स टू, है ना, घर से बाहर जाने की कोशिश करें, डिसंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पोएट कंपेयर्स दी ब्रांचेस ऑफ ट्री टू व्हाट? तो पेड़ की ब्रांचेस को किससे कंपेयर कर रही हैं, तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर करें, ठीक है। आप आंसर को ढंग से पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। व्हेन द ट्रीज मूव आउट व्हाट हैपेंस टू द हाउस? जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो पेड़ों को तो हवाएं गले लगा लेती हैं, लेकिन घर क्या होता है, घरों की सिरसियाँ, खिड़कियाँ, शीशे जो क्या होते हैं वो टूट जाते हैं, है ना।
फिर अगला है फॉग से, इन द पोएम हाउ डज द फॉग कम, कैसे आता है, बहुत ही दबे पांव आता है। व्हाट सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज़ लाइक, ये इसे जो है सैंडबर्ग ने लिखा ना, तो क्यों उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है कि बिल्ली की तरह फॉग कैसा है, बिल्ली की तरह। व्हाट इन द थर्ड लाइन रिफर टू, व्हाट इट इन द थर्ड लाइन रिफर्स टू, तो इन द थर्ड लाइन ऑफ द पोएम इट रिफर्स टू द फॉग, इट किसको रिफर करता है, फॉग, ठीक है। कस्टर्ड द ड्रैगन, इन द पोएम व्हाई डिड बेलिंडा टिकल द ड्रैगन, बेलिंडा ड्रैगन को टिकल क्यों करती है, तो बेलिंडा टिकल्स द ड्रैगन बिकॉज कस्टर्ड एंड ड्रैगन वॉज वेरी स्केयर्ड, है ना, क्योंकि ड्रैगन काफ़ी डरता था, इसलिए जो है उसको क्या करती थी, बहुत सारा गुदगुदी लगाती हैं हंसाने के लिए, है ना। वाई कस्टर्ड द ड्रैगन क्राई फॉर अ नाइस सेफ केस, वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डी ड्रैगन, कस्टर्ड वॉज क्राइंग फॉर नाइस सेफ केस बिकॉज इट वॉज अ कावर्ड, क्योंकि वो थोड़ा डरपोक था इसलिए ऐसा वो सेफ केस मांगता था। ड्रैगन इज कॉल्ड अ कावर्डी ड्रैगन बिकॉज एवरीबडी एल्स इन द हाउस वॉज ब्रेव, क्योंकि घर में सबको एक बहुत बहादुर था और ये बेचारा कहता था मेरे लिए एक नाइस सेफ केस मंगा दो, मैं उसी में रहूँगा। नेम द कैरेक्टर्स इन द पोएम एंड इन द लिस्ट देम इन देयर पेट नेम्स, तो ये तो कर सकते हैं ना, किटन कौन था, ब्लिंक मतलब इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टडी कौन थे, ये सब आप बता सकते हैं ना। इंक क्या था देख सकते हैं आप, इंक क्या था, एक जो है बिल्ली थी, बिल्ला था, ब्लिंक क्या था माउस, मस्टर्ड क्या था डॉग था, ड्रैगन क्या था कस्टर्ड था, है ना। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द यंग वूमेन्स हेयर, कैसा है, गोल्डन हेयर है ना उसका, कैसा है ना, येलो कलर का है, ठीक है। और वो उसको इस तरीके से चेंज करना चाहती है कि वो जो ऐसा कलर जो उसको कोई पसंद ना करे, है ना। व्हाई वुड सी वॉन्ट टू डू सो, क्यों ऐसा करना चाहती, ताकि वो चाहती है कि कोई उसको उसके बालों के लिए, उसकी सुंदरता के लिए प्यार ना करे, वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उसके होने के लिए, मैंने जो जेन्यून है, जेन्यून पर्सनैलिटी के लिए प्यार करे, ठीक है। What young man means by great honey colored ramparts at your ear? Why does he say that young men are thrown into despair by them? तो कहती है कि क्या ना, जो यंग मैन हैं जो किसी से प्यार करते हैं, बेसिकली प्यार उनका क्या होता है कि उनकी खूबसूरती के लिए होता है, है ना, उनकी जो है अंतरात्मा के लिए नहीं होता, इसीलिए बेचारे क्या होते हैं जब उनको धोखा मिलता है तो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आत्महत्या वगैरह करने लगते हैं, है ना। चलो ये तो था जो है पूरा का पूरा वीडियो, और आप एक काम करिएगा, जहाँ पे भी आपको जैसे मैंने क्या किया है, बहुत सारे जो है उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप जो है उसको ढंग से एक बार पढ़ें, इसलिए मैंने आपको जब भी ज़रूरत लगे कि ये वाला आंसर पढ़ना है तो उसको वीडियो को पॉज करके ढंग से आंसर को पढ़ लिए, फिर थोड़ा आगे बढ़िएगा, है ना। इस तरीके से अगर पॉज कर करके पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको पूरा कर लेंगे। सो एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए, बेस्ट ऑफ लक, और मुझे लगता है कि जो है आपका मतलब एक तरीके से इंग्लिश बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, पढ़ाई में डीजी।